नॉर्थ भारत न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुप सैनी। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, होलिका दहन आज पूरे देश भर में, भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। उसी क्रम में आज हम खड़े हैं संजय गांधी कॉलोनी मकतूलपुरी में। यहाँ भी एक संगठन है, समाजसेवी संस्था है, उसके कुछ पदाधिकारी लोग मेरे साथ हैं। आइए बातचीत करेंगे कैसे जो है यहाँ पे होलिका दहन का कार्यक्रम हुआ। बस मैं तो शुभकामनाएं ये है कि होली की सबको ही, पूरे रुड़की परिवार को, हर एक परिवार को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यह है कि हमारे संजय गांधी और मकतूलपुरी जो है, इतना संयम है कि हमारे यहाँ होली बहुत बढ़िया होती है कि कोई देखता भी, मतलब ये है कि चार जने बाहर से आते हैं देखने के लिए। और इतना अच्छा वो होता है, हमारे बुजुर्गों होगा, जितने बुजुर्ग बैठे, कुछ बुजुर्ग भी बैठे हुए, आइए उनसे भी बातचीत करते हैं, क्या कहना चाहिए। बहुत अच्छा कम्प्रोमाइज आपस में भाई हो, प्यार से मनाते हैं दोनों कॉलोनियाँ, कोई किस्म की लड़ाई झगड़ा फिसाद कुछ नहीं। और आइए कुछ महिला शक्ति भी बैठी है, उनसे भी बात करते हैं। नमस्कार मैडम, क्या कहना चाहेंगे जैसे कि होलिका दहन हुआ। बहुत अच्छा लगा, सबने मिलजुल के होली का दहन किया, और हमें अपने सभी त्योहारों को ऐसे ही मिलजुल के मनाना चाहिए। सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। जैसा कि भाऊ जी, हर साल यहाँ पे हर वर्ष जो है होलिका दहन होता है, अभी डेढ़ दो साल से कोरोना के चलते इतनी धूमधाम से नहीं मनाया गया था, क्या कहना चाहिए। इस पर सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो मैं संजय गांधी कॉलोनी के सम्मानित निवासी की ओर से पूरे देश को बधाई देता हूँ। पूरे देश में अमन सहन सुख शांति रहे और कोरोना से मुक्त रहे, मेरी शुभकामनाएं सबके साथ हैं। धन्यवाद। क्या कहना चाहोगे देशवासियों के लिए होली के अवसर पर। भाई, हमारी तरफ से सबको शुभकामनाएं हैं होली की, और सुख शांति रहे, और इसी तरह से सब लोग मिलजुल के होली का परिवार, होली का त्यौहार मनाते रहें। मैं तो ये कह सकता हूँ, हमारे रुड़की में, हमारे मोहल्ले मकतूलपुरी में, संजय गांधी कॉलोनी में रुड़की बड़ी होली बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है, और सबको मेरा प्रणाम। परवीन शर्मा जी भी हमारे साथ आए, इनसे भी बात करते हैं, क्या कहना चाहेंगे। इनका भी विशेष बड़ा योगदान रहता है हर वर्ष होलिका दहन के कार्यक्रम पर, ये बात करते हैं, क्या कहना चाहेंगे। मैं कहना चाहता हूँ कि संजय गांधी मकतूलपुरी का जो ये होलिका दहन समारोह होता है, ये बेस्ट होलिका दहन समारोह है आपका, जब इसमें पूरे मकतूलपुरी वाले, संजय गांधी गले वाले इकट्ठे होकर पूरी तरह से आप समर्पित होते हैं, ये आपको मैं सबको होली का दहन का। डेढ़ दो साल से कोरोना के चलते इतने धूमधाम से नहीं मनाया जा रहा था, क्या मजबूरियाँ थी हम लोगों की, क्योंकि कोरोना जो वायरस आया हुआ था, ये सभी के लिए, क्या पूरे देशवासियों के लिए एक समस्या थी, जो अब इस बार इस साल ये समस्या खत्म हो चुकी है। कल होली का त्यौहार बड़ा है, रंगों से खेला जाएगा, कुछ युवा लोग भी होंगे, उड़दंग भी करते हैं, उनके लिए क्या संदेश है। मैं सबको संदेश चाहता हूँ कि भैया, आप लोग होली को होली की तरह खेलिए, ना कि एक उड़दंग की तरह। आप गुलाल का यूज करिए, रंग मत यूज करिए, आप झगड़ा मत करिए, आप ये प्रेम भाव का एक त्यौहार है, जिसको आपको प्रेम भाव से त्यौहार मनाइए। आप लोग सभी लोग, पूरे देशवासियों को, पूरे रुड़की वासियों को मैं सलाह देता हूँ कि आप लोग इसको एक प्रेम गुलाल से होली मनाइए, और गुलाल से होली मनाने का मतलब ये होता है कि सबको प्रेम भाव से आपका इसका प्रयोग करिए। सभी का यही कहना है कि हुड़दंग में मत बचाए इस होली पे, और प्रेम भाव से मिलकर ही रहे। युवा भी हमारे साथ है, बात करते हैं, क्या कहना चाहोगे, क्या शुभकामनाएं। मैं बस सबको हैप्पी होली विश करना चाहूँगी, और ऑब्वियसली यूथ को यही वो दूंगी कि यूथ ही ज़्यादा हुड़दंग मचाता है आजकल, लोगों को लगता है होली आई है तो बस बिना और कंसेंट भी नहीं लेते हैं किसी का रंग लगाने से पहले। सो आई वुड से कि भाई कंसेंट लिया करो, एटलीस्ट हम लड़कियों के लिए सेफ एनवायरनमेंट रखो बाहर, वरना हमें घर से बाहर भी नहीं निकले जाने देता होली के दिन। सो आई वुड से सेफली खेलो, कंसेंट से रंग लगाओ, ताकि सब खेल सकें अच्छे से हम भी। और कुछ लोग जुड़े हुए हैं संजय गांधी कॉलोनी से ही है, आइए इनसे भी बात करते हैं, ये भी कुछ शुभकामनाएं देना चाहेंगे। जी जी, सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा, और बस मैं दूसरा एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि जैसे अभी मेरी बहन ने इससे पहले बताया गया कि लड़कियों के लिए सेफ इन्वायरमेंट नहीं होता है, तो सबसे प्रायोरिटाइज इसको कीजिए कि आप होली मना रहे हैं तो आप एक ढंग से होली मनाइए, हुड़दंग ना मचाइए। हैप्पी होली टू एवरीवन।